दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह। सिंह सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर जो आपके यहाँ भव्य निःशुल्क आरोग्य शिविर आयोजित किया गया, इसका क्या मकसद है, उस बारे में आप बताइए। जी, ये जो अपना मेडिकल हेल्थ कैंप चेकअप कर रहे हैं, ये हम हर साल करते हैं। ये और हर साल हम कुछ ना कुछ इसमें अपना जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो मोहल्ले के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके लिए कोशिश की जाती है कि उनको इससे भरपूर लाभ मिले। तो आज का जो कैंप है, इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ, हमने एक साथ में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी किया हुआ है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में डोनर किसको अपना एक ब्लड डोनेशन कार्ड भी दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको, ये जिससे कि कभी बाई चांस कभी बाद में उनको कभी किसी परिवार के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है तो उनको डिस्काउंटेड रेट पर वो मिल सके उनको ये। और इसके अलावा हमने कुछ फ्री में कुछ हमने सेवाएं भी दी हुई है, जैसे कि अपना है हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, अपना नर्व कंडक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, अपना ग्लाइकोसिडेटेड हीमोग्लोबिन चेक हो गया। ये हम काम जो है ये हम फ्री में कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टरों का जो परामर्श है वो निःशुल्क है, जैसे अपना बाल रोग तज्ञ हो गए, हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर सौरभ राठी हो गए, हमारे गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीतू सिंह हैं, हमारे जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कमलेश जसवानी सर और हमारे डॉक्टर उमेश रमतानी सर, ये हम पांच जो डायरेक्टर लोग हैं, ये हम सबने अपना निःशुल्क परामर्श भी हम लोग अपने लोगों को दे रहे हैं। जैसे कि ये सर जो हेल्थ कैंप जो आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप ये बताइए, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज जो है स्पेशलिटी आपने कवर अप की हुई है डिजीज के लिए। जी हाँ। तो ये भी देखा गया कि जो लाइफस्टाइल डिजीज जो बढ़ रही है, हाँ जी, खास करके जंक फूड इंटेक कर रहे बच्चे, जी हाँ, तो उनमें ओबेसिटी की मात्रा बढ़ रही है, जी हाँ, और फ्लू की मात्रा बढ़ रही है, तो किस तरह से रोकथाम कर पाए, क्या आपके टिप्स उस बारे में? जी हाँ, इसी विषय पे हम लोगों ने कल एक कैंप भी किया था, हम लोगों ने कि हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर नीतू सिंह, उन्होंने कल अपनी मोहल्ले जो कॉलोनी की महिलाएं हैं उनके लिए कल एक वर्कशॉप भी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, जिसका विषय था एचपीवी में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम। तो उसमें मैडम ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के बारे में विषय से चर्चाएं की थी और महिलाओं को इसके लिए जो अपना रिस्क फैक्टर है इसके अवगत कराया, क्या इसका इलाज होता है, कैसे इसका रोकथाम होती है, इसके बारे में डिटेल में विस्तार से मैडम ने इसके बारे में चर्चा की थी कल। इसके अलावा हम लोगों का आज भी हमारा ये प्रोग्राम है कि ये कैंप हमारा खत्म हो जाएगा तो हम जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं हमारे, उनको बुला के दोबारा से काउंसलिंग सेशन लिया जाएगा कि भाई ओवरवेट में के इश्यूज क्या हो रहे हैं, जो बढ़ता हुआ जो वजन है इसके क्या इश्यूज हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, खान पान में क्या हमको सावधानी रखनी है, फिजिकल फिटनेस हमको कैसे रखनी चाहिए, तो इस बारे में हमारा एक आज शाम को प्रोग्राम हमारा एक प्लान है हमारा ये। सर, जैसे कि हर साल की तरह जो आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जी, पब्लिक का खासकर पेशेंट्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, बेटर रिस्पांस मिलता है, तो सर इस बार कुछ नया आपने कुछ थोड़ा चेंजेस किया है कि कैंप में? जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किया था हम लोगों ने, बट इस बार हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। अभी तक करीब 15 से 16 लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन अपना दे दिया है, बाकी के लोग अभी आने वाले हैं क्योंकि अभी एक बाइक रैली के लिए गए हुए हैं, तो उनको सब लोगों ने अपने नाम देके गए हैं, बोले कि बस रैली निपटा के हम लोग आते हैं, तो करीबन 10 से 15 लोग अभी और भी आने वाले हैं, तो हमारा अंदाजा है करीबन 30 से 35 लोग अपने वॉलंटियरली यहाँ पर अपना ब्लड डोनेशन अपना दे पाएंगे अपना से। जैसे कि सर हेल्थ कैंप से काफी लोग लाभान्वित तो होते हैं जी, और इसके अलावा आपने काफी एक्सपेंशन भी कर चुके हैं जी, हर तरह के मल्टी स्पेशलिटी होने की वजह से पूरे डिजीज भी कवर हो रहे हैं जी, तो इसके अलावा आप ये बताइए आगे चल के कुछ और भी आपको कुछ प्लान है क्या उस बारे में? हाँ बिल्कुल, प्लान है हमारा, जैसे कि अभी कल जैसे कि हमारा मैडम ने कल सर्वाइकल कैंसर के लिए कैंप लिया था, तो हमारा एक प्लान था कि अगले कुछ दिनों में हम पैप स्मियर टेस्ट करें हम लोग, जिसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनको बुलाया जाएगा, उनका निःशुल्क उनका पैप स्मियर टेस्ट किया जाएगा उनका, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमारा कोशिश है कि हमारे कुछ एनजीओ से भी बात चल रही है हमारे, ये तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन है उसको भी निःशुल्क या कम रेट में उसको उपलब्ध कराने पर हमारा काम चल रहा है हमारा, तो ये जरूरी चीजें हो गई हमारी। इसके अलावा हमारा एक आगे का प्लान है कि हमारा कि हम मनोरोग तज्ञ को हम अपनी टीम में शामिल करें, जो कि आजकल का जो तनाव का जो चल रहा है बच्चों में है, बड़ों में, स्त्रियों में है, जो इसकी घटनाएं देखने को मिलती है, तो मैडम का एक सेशन हमारा कराने का प्लान है हमारे। सर, जैसे कि काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप ये बताइए कि किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि डिजीज के घेरे में ना आ सके,
एक स्वस्थ व्यक्ति को किस तरह की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा देखा जाए तो इसके बारे में ना आजकल हर किसी को पता होता है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो जब तक लोगों के दिमाग में ये बात निकलेगी नहीं ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर कोई भी हेल्थ चेकअप तो कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई मेरा जो दिनचर्या है उसमें कुछ गलतियां हैं, मैं लेट सो के उठता हूँ, मैं सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, टीवी पर ज्यादा देखता हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज मेरी कम है, खाने पीने में नमक वसा की मात्रा ज्यादा है, जंक फूड मैं ज्यादा खाता हूँ। जब तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले तो हमको कैंप को अपने से ही शुरू करना है कि लोग माने कि हाँ हमारी लाइफ स्टाइल में हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं और उसको हमको सुधारने की जरूरत है। कोई ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस कैंप का बेनिफिट उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, तो एक जनमानस में आपका क्या मैसेज होगा? जरूरी चीज है कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि जब कैंप लगे तभी हम लोग दिखाने के लिए आए आपको। ये हमारा तो ये उद्देश्य है कि आपको कुछ भी तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो तकलीफें होती है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया, ये अपने आप से ठीक होने वाले नहीं है कि मैं कल जाऊंगा मैं देख लूंगा 15 दिन और वेट करता हूँ। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इन बीमारियों में प्रॉब्लम ये है कि जब तक लक्षण आने शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा कहना है कि हम किसी ये जो निःशुल्क जो चिकित्सा कैंप होते हैं इसका अवसर का वेट नहीं करना है, हमको जब तकलीफ होती है हमको तुरंत से तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए हमको उनसे। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर अजय सिंह सर, जिन्होंने हमें बताया कि जो हेल्थ कैंप है काफी बेनिफिशियल है लोगों के लिए और नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर तरह के चेकअप शुरू रहते हैं, चेकअप और कई तरह के मार्गदर्शन परामर्श भी शुरू होता है। जी हाँ। तो डेफिनेटली हमारे जो पेशेंट दर्शक देख रहे हैं तो इसका निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, अपना समय दिया, सब इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मच। धन्यवाद।